हाय, माय नेम इज हमाद अली और हमारे कोर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के आज का टॉपिक है रिसाइक्लर व्यू। रिसाइक्लर व्यू ऑलमोस्ट उसी तरह ही है जिस तरह लिस्ट व्यू है, लेकिन ये उसका थोड़ा सा इन्हेंस वर्जन है। इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है इसकी लिस्ट व्यू से थोड़ी सी डिफरेंट है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि लिस्ट व्यू में शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, या हमें उनको लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी या मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके बाद हम उन व्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि हमें खुद से इम्प्लीमेंट भी करने पड़ते हैं जो कि लिस्ट व्यू में अवेलेबल है। जो इसका फ़र्क है इसके जो अडेप्टर का, कि लिस्ट व्यू के केस के अंदर हम जो अडेप्टर है, जो डिफ़ॉल्ट अडेप्टर है, एरे अडेप्टर, अगर हमारे पास डाटा सिंपल स्ट्रिंग है तो हम डिफ़ॉल्ट अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें हर हाल के अंदर हमें जो अडेप्टर है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उस अडेप्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको हम व्यू होल्डर की क्लास बोलते हैं। तो जो व्यू होल्डर की क्लास है वो यहाँ पे ये काम करती है कि जो हमने लिस्ट आइटम क्रिएट की होती है, जो लिस्ट आइटम जो हम XML में अपनी आइटम डिफाइन करते हैं एक सिंगल, उसको उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है जी। अमूमन ये क्लास जो है वो अडेप्टर की क्लास के अंदर बनाई जाती है, आप इसको बाहर भी बना सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप उसको उसके अंदर ही बनाएं, क्योंकि इससे बाहर इसकी, अडेप्टर से बाहर इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ज़रूरत है तो आप बाहर बना सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको इनर क्लास ही बनाते हैं। अडेप्टर के जो फंक्शंस हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें से एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर का फंक्शन है जो हमें लाजमी बनाना पड़ता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमने जो लिस्ट आइटम के लिए जो XML डिफाइन की हुई है उस XML को यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवाते हैं, और व्यू होल्डर के अंदर बेसिकली जो ये व्यू होल्डर बेसिकली वो वाला व्यू होल्डर है जो कि हमने खुद से बनाया है, जो भी पिछली हमने स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है माई व्यू होल्डर, ये वो वाली क्लास है, और उसके अंदर हम बेसिकली ये जो व्यू क्रिएट हो जाता है उसको पास करते हैं, और फिर इसके जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको हम वहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं। जो फंक्शन हमारे पास ऑन बाइंड व्यू होल्डर है उसमें हम बेसिकली होल्डर के अंदर जो हमने व्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनको फिर हम बाइंड करवाते हैं डेटा के साथ। एक जो इसके अंदर डिफरेंट चीज़ है लिस्ट व्यू से, ये कि लिस्ट व्यू के अंदर हमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर्स अवेलेबल होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास वो सहूलत नहीं होती। तो हमें यहाँ पे वो इंटरफेस खुद डिफाइन करना पड़ता है, ऑन आइटम क्लिक लिस्टनर की लॉजिक भी खुद लिखनी पड़ती है, और वो जो सारी चीज़ें जो हमें लिस्ट व्यू के अंदर एक आइटम पर क्लिक करने से बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है वो यहाँ पर हमें खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ती है। ये एक कोड आप कह सकते हैं कि स्नैपशॉट है कि अगर हम रिसाइक्लर व्यू को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो अमूमन एक्टिविटी के अंदर इस तरह से कोड लिखते हैं कि हम रिसाइक्लर व्यू का ऑब्जेक्ट जो है उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसका लेआउट मैनेजर बता देते हैं, और लेआउट मैनेजर के अंदर हम ये बताते हैं कि ये जो लेआउट मैनेजर है ये इसकी ओरिएंटेशन कौन सी होगी, और इसी तरह से हम उसको अडेप्टर के अंदर हम उसकी अडेप्टर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे उसके अंदर क्या इनपुट जाएगी, और उसमें हम जो है बेसिकली डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जो लिसनर है जो हमने कहा था हम खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगर तो वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो हम उसको यहीं पर डिफाइन कर देंगे, अदरवाइज़ हम सिंपल इनपुट से भी काम चला सकते हैं, और उसके बाद फिर जिस तरीके से लिस्ट व्यू में अडेप्टर सेट करवाते हैं इसमें भी अडेप्टर को सेट करवा देते हैं। आइए इसके कोड को, सिंपल से कोड को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास डेटा किस सूरत में आता है। ये हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है जो कि हमने रिसाइक्लर व्यू के नाम से बना लिया है, और यहाँ पे हम सोर्स में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट व्यू है उसको मैं फिलहाल रिसाइक्लर व्यू में कन्वर्ट करना चाहूँगा। अच्छा जी, रिसाइक्लर व्यू को यूज़ करने से पहले हमें ग्रेडल में जाके
उसकी लाइब्रेरी है उसको ऐड करवाना पड़ेगा। जैसे ही लाइब्रेरी को ऐड करवाएंगे उसके बाद हम उसको सिंक नाउ पे क्लिक करेंगे ताकि ये लाइब्रेरी डाउनलोड होके आपके प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाए। अगर ये सक्सेसफुली रन हो गई है तो इट्स मीन कि अब हमारे पास रिसाइकलर व्यू की क्लास अवेलेबल है और हम यहाँ पे जाके रिसाइकलर व्यू विजेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। हाइट विड्थ इसकी लेट्स से अभी फिलहाल हम मैच पे रन कर देते हैं और बाकी जो इसके पैरामीटर्स हैं उनको मैंने ही छेड़ा, जो इम्पोर्टेंट नहीं थे उनको यहाँ से निकाल दिया। बाय डिफॉल्ट जो इसकी आपको शेप नज़र आ रही है वो इस तरीके से नज़र आ रही है, आइटम 0, आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, 4, 5 इस तरीके से डिफाइन है। उसके बाद जो हम दूसरा काम करेंगे वो ये करेंगे कि हम इसके लिए अडेप्टर लिखेंगे, सॉरी एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर अडेप्टर से, और इस पे एरर आएंगे। एरर हमें कह रहे होंगे कि हमने इंप्लीमेंट करने हैं इसके मेथड्स जी। तो ये हमारे पास वो तीन फंक्शंस आ जाएंगे जिनको हमने अब इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद हम इसके लिए एक अडेप्टर बनाएंगे, लेट्स से रिसाइकलर व्यू अडेप्टर, ठीक है जी, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर से, और यहाँ पे अब हमें इसको पास करना है व्यू होल्डर। व्यू होल्डर हमने कहा था कि हम इनर क्लास के अंदर ही बना लेते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक क्लास बना लेता हूँ, प्राइवेट क्लास माय व्यू होल्डर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू, सॉरी पेरेंथेसिस, और उसके बाद इसको हम एक्सटेंड कर देंगे व्यू होल्डर से, ठीक है जी। और इसके ऊपर ये कहेगा कि इसके आपने कंस्ट्रक्टर को मस्ट डिफाइन करना है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बेसिकली हम इनिशियलाइज करवाएंगे उस आइटम को जो आइटम हम रिसाइकलर व्यू के लिए बनाएंगे जी। उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे बेसिकली ये हमारा, सॉरी इसका नाम नहीं लिखेंगे बल्कि माई व्यू होल्डर का नाम लिखेंगे, ठीक है जी। स्टिल देर इज एन एरर और उसकी वजह ये है कि इसके कुछ जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसके मेथड जो कि तीन हैं, गेट आइटम काउंट, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, तो इन तीनों को इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। इफ स्टिल देर इज एन एरर हम उसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें जो क्लास बनाई है हमने उसकी एक्सेस को पब्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ये हमारा कुछ जो अडेप्टर है उसका स्ट्रक्चर होगा कि उसके अंदर जो क्लास है हमारी रिसाइकलर व्यू अडेप्टर क्लास है जिसको हमने रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर से एक्सटेंड करना है, जिसके अंदर हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है, व्यू होल्डर प्रोवाइड करना है। व्यू होल्डर भी हमने इसी क्लास के अंदर बना लिया है जो कि माई व्यू होल्डर के नाम से है, उसको एक्सटेंड करेंगे हम रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर से, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो व्यू आएगा उसके कंपोनेंट्स को हम इनिशियलाइज करेंगे। तीन फंक्शंस बनेंगे जो कि अडेप्टर के हैं, एक ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट, ठीक है जी। तो इनको बारी बारी हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अभी सिंपल ये कर लेते हैं कि हम एक लेआउट डिफाइन कर लेते हैं जिसके अंदर हम सिंपली कुछ टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, नेम और फ़ोन नंबर्स को इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं, इसका नाम लिस्ट आइटम रख देते हैं। और लेट्स से यहाँ पे मेरे पास लीनियर लेआउट है,
और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू को इम्प्लीमेंट किया, वेट पैच पेरेंट रैप कॉन्टेंट, और यहाँ पे इसकी आईडी डिफाइन कर दी टीवी लेट्स से नेम, और टेक्स्ट साइज जो है वो मैंने 20 dpi सेट कर दिया। इसी तरह का मैंने एक और बना लिया, इसका नाम मैंने रख दिया टीवी फोन और व्हाटएवर जो भी आप सेट करना चाहें, 16 इसकी डीपी है। और इसी तरह ही इसको दिखाऊँ, अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। लेट्स से इसके अंदर डमी डाटा भी डाल के देख लेते हैं। लेट्स से ये नेम है और ये मेरे पास टेक्स्ट फोन टेक्स्ट है, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे एक इसमें नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस से लेट होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद डेफिनेटली हमें क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास के अंदर हम अपना डेटा रखेंगे। लेट्स से क्लास मेरी है कॉन्टैक्ट में दो ही चीज़ें हैं हमारे पास, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और दूसरी चीज़ मेरे पास है फॉर्म। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। सर्टिफिकेट जो ज़रूरत है तो बनाई जा सकती, वैसे तो हमें गेटर की ज़रूरत पड़ेगी, सेटर की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम फिर भी दोनों बना। ठीक है जी, यहाँ तक हमारे सेटर गेटर और ये कॉन्टैक्ट की क्लास में बन गई। अब यहाँ पे आके हमने अडेप्टर को इनिशियलाइज करवाना है और उसके अंदर डाटा भिजवाना है, लेकिन उससे पहले हम अडेप्टर के कोड को कंप्लीट कर लेते हैं। अडेप्टर के कोड में हमारे पास सबसे पहले हम व्यू होल्डर वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वही काम करना है, लेआउट इन्फ्लेटर को यूज़ करना है, इन्फ्लेटर गेट सिस्टम सर्विस, और सॉरी यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, गेट हमारे पास कॉन्टैक्ट आना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो हम इसको कंस्ट्रक्टर में ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लास लेवल का वेरिएबल है कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम इस कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि दोनों वेरिएबल का नाम सेम है तो इसके शुरू में हम दिस लगा देते हैं। कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट भी अवेलेबल है, लेट्स से मैं कहता हूँ कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस, और गेट सिस्टम सर्विस के लिए मैं क्या पास कर देता हूँ, लेआउट इन्फ्लेटर सर्विस मुझे रिक्वायर्ड है, और इसको मैं यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं आपको सिंगल लाइन में दोनों कमांड्स नज़र आ सकते। उसके बाद हम एक व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इसके अंदर हम वो पास करेंगे हमारी जो लेआउट की फाइल है आर डॉट लेआउट डॉट, उसका नाम क्या था लिस्ट आइटम। ठीक है जी,
इसका कोई रूट व्यू ग्रुप है? नहीं है, तो हम इसकी जगह पे और रिटर्न हम करवा देंगे इस व्यू को। सॉरी, रिटर्न करवाएंगे जो हमारी क्लास बनाई थी हमने व्यू होल्डर की, उसके ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे रिटर्न करवाना है और उसके अंदर हम ये पास कर देंगे व्यू को। सॉरी, आई वाज बिट कंफ्यूज। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास व्यू होल्डर की क्लास के अंदर हमें यहाँ पे ये वाला व्यू जो हमने यहाँ पास किया है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इस व्यू को अब हमने क्या करना है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करवाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं, टेक्स्ट व्यू ही है हमारे पास दो, तो टेक्स्ट व्यू और एक का नाम टीवी नेम है और एक का नाम टीवी फोन है। आइटम व्यू के नाम से हमारे पास आया है तो हम इसको आइटम व्यू के नाम से देखेंगे, आर डॉट आई डी डॉट टीवी डॉट बेसिकली ये हमारे पास टीवी नेम आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टीवी फॉर्म। ठीक है जी, मैं सॉरी यहाँ पे इसको भी। तो इस तरीके से हमारे जो लिस्ट आइटम के कंपोनेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फोल्डर की बात आ जाती है, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड होगा डेटा। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास हमारा एडाप्टर है उसका कंस्ट्रक्टर एडाप्टर का, वहाँ पे हम डेटा भी ले लेते हैं। लेट से लिस्ट आएगी हमारे पास और लिस्ट किस चीज़ की आएगी, लिस्ट आएगी जो भी हमने क्लास बनाई थी कॉन्टैक्ट की। ठीक है जी, लेट से इसका नाम लिस्ट रख देते हैं या डेटा ही रख देते हैं, तो इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास को और यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लिस्ट कॉन्टेक्ट डेटा के नाम से, और कंफ्यूज ना रहे तो इसका भी सेम नाम रख दिया है, दिस डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा। ठीक है, तो ये वो डेटा है जो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास होल्डर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है और पोजीशन भी आ रही है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो डेटा डॉट गेट करके पोजीशन में से वो वाला कॉन्टेक्ट का ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे जो हमें रिक्वायर है। ठीक है जी, उसके बाद जो अगला काम करेंगे वो ये करेंगे कि होल्डर डॉट टीवी फोन डॉट सेट टेक्स्ट और इसके अंदर हम जो कॉन्टैक्ट के अंदर पड़ा हुआ है हमारे पास गेट सॉरी फोन इसी तरीके से हम नेम को भी साइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, ऑन बाइंड व्यू होल्डर भी हमने इम्प्लीमेंट कर लिया और अब रह गया हमारे पास गेट आइटम काउंट। तो ये सिंपल सा तरीका है कि हम रिटर्न करवा देंगे जो हमारे पास डेटा आया उसका साइज, जो भी साइज होगा वो साइज में आ जाएगा आपके पास। तो अब ये देखेंगे जो कंस्ट्रक्टर है ये हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली खुद ही बिल्डअप कर लिया है और अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी के पास और वहाँ जाके हम ये कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम रिसाइक्लर व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं।
रिसाइक्लर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, हमने रिसाइक्लर व्यू की कोई आईडी डिफाइन की है? नहीं की, तो हम उसको डिफाइन कर देते हैं और आर वी लिस्ट लिख देते हैं रिसाइक्लर व्यू लिस्ट। ठीक है जी, उसके बाद हम अपना जो एडेप्टर है उसको डिफाइन कर लेते हैं। हमने जो एडेप्टर बनाया उसका नाम रखा है रिसाइक्लर व्यू एडेप्टर। एडेप्टर इज इक्वल टू न्यू रिसाइक्लर व्यू। अब हम इसके अंदर दो चीज़ें पास करनी है, एक तो कॉन्टेक्स्ट पास करना है और दूसरी चीज़ पास करनी है डेटा। उसके बाद हमने रिसाइक्लर व्यू डॉट सेट एडेप्टर, और एडेप्टर के अंदर हमने क्या पास कर देना है, सॉरी। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करके इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डाल देंगे और इन्फॉर्मेशन पास कर देंगे तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो हमने इन्फॉर्मेशन पास करनी है वो हमारी होगी लिस्ट, और लिस्ट होगी किसकी, कॉन्टैक्ट्स की, और नाम इसका हम रख लेते हैं डेटा, न्यू अरे लिस्ट, और ये किया हमने। अब डेटा डॉट ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमें पास करने होंगे कॉन्टैक्ट के ऑब्जेक्ट। लेट्स से ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट ऐड होगा। इसी तरीके से हम दूसरे ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेते हैं। जितने हम इसमें ऐड कर लेते हैं, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फोन नंबर सबके अगर डिफरेंट रखना चाहें, क्योंकि अभी ये हम डमी डाटा डाल रहे हैं तो ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो अभी हम इसको चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आउटपुट एम्प्टी है, उसकी वजह यह कि हमने यहाँ पे लेआउट मैनेजर डिफाइन नहीं किया, तो लेआउट मैनेजर को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम दो ऑप्शन हैं, लीनियर लेआउट और ग्रिड लेआउट। लीनियर लेआउट के साथ जा रहे हैं हम ताकि ज़रा सिंपल रहे कोड। इसके अंदर हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करना है और उसके बाद हम सिंपली रिसाइक्लर व्यू के ऊपर सेट करवा देंगे लेआउट मैनेजर। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो विजिबल है, उसी तरह ही जिस तरह से हमें लिस्ट व्यू पे नज़र आती है। अगर मैं इसी डाटा को डबल कर दूं, तो लिस्ट व्यू की तरह इसमें स्क्रॉल भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस के साथ भी देखेंगे और डिफरेंट लेआउट को भी ट्राई करेंगे, और इसके अलावा जिसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लिसनर, उसको भी हम देखेंगे। चलो, थैंक यू।